करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे मजबूत हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, आज का टॉपिक है होगा हमारा नंबर सिस्टम के आगे का पार्ट होगा। यह टॉपिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कहां कहां पूछेगा, तो सीटेट एग्जाम यदि दे रहे हैं, यूपी टेट का दे रहे हैं, या स्टेट का दे रहे हैं, देने वाले हो या देने चाह रहे होंगे, साथ में यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, सीजीएल, ऐसा नहीं मतलब हर जगह जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम यदि मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, तो वहां आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल होगा। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों की संख्या का सम कैसे करते हैं, मतलब क्या है, फैक्टराइज के नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे और फैक्टराइज के सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज सीखेंगे ट्रिक के साथ और बेजोड़ ढंग के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर देखा करिएगा, है ना। चलिए आइए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हमको फॉलो कहां-कहां कर सकते हैं, जितने सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं वहां पर अल्पाइन क्लासेस के नेम से सर्च करेंगे तो हम लोग हाजिर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीख गए थे, आज का टॉपिक होगा हमारा कि हाउ टू फाइंड फैक्टराइज नंबर, है ना, कि फैक्टराइज नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वह सीखेंगे। तो रूल सबसे पहला है दोस्तों, इसको समझनी है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या दोस्तों कि रूल नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार जो बच्चा यूपी टेट या फिर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, यही लॉजिक आपको बताया जा रहा है, ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट है। कह रहा है क्या, कैसे फाइंड आउट करें, टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहला लॉजिक यही है कि सबसे पहला स्टेप होगा, कोई भी नंबर्स गिवेन होगा दोस्तों, तो सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दे, गुणनखंड होता है। क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड। जैसे 8 हो गया, मैं पूछूं 8 का फैक्टर बताओ, तो 8 का फैक्टर जैसे लॉजिक से बचपन में जैसे टीचर्स पढ़ाया करता था कि 8 का क्या करो, ऐसे पाई खींचो बच्चों, फिर इसके बाद ऐसे करो, अब 8 को देखो कौन कौन नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर दे रहा है, जो डिवाइड करता है ना वही उसके फैक्टर होते हैं। समझ आया, कहने का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो क्या है उस नंबर से डिविजिबल हो जा रहे वही उसके फैक्टर होते हैं, वही उसके आमन होते हैं। जैसे आपको बता दे, आप यदि आपके फ्रेंड होंगे, चाहे महिला मित्र होगा, महिला मित्र होंगी या फिर आपके पुरुष मित्र होंगे, तो कभी कभी आपसे बता दे, जब उनको कोई प्राइवेसी वाला चीज बताया करें, बाई द वे कभी उनके साथ झटक पटक हो गया, मार झगड़ा हो गया, तो आपका पोल जो है ना वो बता देता है। इसलिए कह रहे क्या, वो आपके फैक्टर हुए हैं, मतलब वो आपसे अफेक्टिव है, आप उनको अफेक्टिव किए हैं, जब भी कहीं कोई गलत करेगा तो आप उसका नतीजा भुगतना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही नंबर्स के भी क्या होते हैं, एक तरह के जुड़वा होते हैं, यदि वो नहीं काम रहेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। तो ऐसे एक का कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करते थे, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो ये आपके क्या हो गया, 8 के फैक्टराइज कैसे करते, 2 into 2 into 2, ये थे आपके फैक्टर। जब हम मैं पूछ दूं इस फैक्टर को पावर के रूप में लिख दो, तो पावर का मतलब क्या है दोस्तों, तो बता दें आपको, जितना नंबर्स दिया है पहले तो वो नंबर लिख दो, नंबर कितना है 2, अब 2 के पावर कितना लिखेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3 है, तो 3 इसके पावर पर, इसके खोपड़ी पर चढ़ा देंगे। यही नोटेशन जो हो गया, इस नोटेशन को बोलते हैं फॉर्म ऑफ द डिग्री या फिर फॉर्म ऑफ द पावर, यह पावर के रूप में लिखा गया है। ये थोड़े से लॉजिक के कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सबसे पहले क्या समझेंगे, फैक्टर, फिर उसके बाद क्या पावर चढ़ाना सीखेंगे, खोपड़ी पर रखना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा खोपड़ी पर रखना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, तो रूल को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सबसे पहले फाइंड द प्राइम फैक्टर, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो नंबर्स गिवन होगा
तो पहले प्राइम फैक्टर निकाले मतलब गुणनखंड करेंगे, समझ लीजिएगा गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों उसका गुणनखंड करेंगे। दूसरा बात कर रहा है कि देन राइट द एस पावर, उसको कैसे करेंगे उसके खोपड़ी पे लिखेंगे मतलब पावर पे लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, किसके घात के रूप में लिखेंगे। ये आपकी स्टेप है, याद करिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, दूसरा बात क्या है घात के रूप में लिखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा तो ये इंपॉर्टेंस है, तीसरा इसे करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। कह रहा है एडिंग प्लस वन, अब जो घात होता है ना दोस्तों घात लिखेंगे तो उसके घात में प्लस एक करेंगे हमेशा, और प्लस ए करने के बाद क्या कर देंगे दोस्तों आपस में दोनों लोग को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस यही तो करना है, तीन स्टेप है बता के, सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, पावर चढ़ाएंगे, जैसे गुणनखंड करेंगे पावर चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे पावर में एक एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर मिल जाएगा, यही आंसर होगा। आइए प्रैक्टिस कर लेंगे तभी ना समझ में आएगा, क्योंकि पता है दोस्तों बुद्धि तभी काम करती है जब हम क्या करते हैं उस पर प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तो हमारे खोपड़ी में बातें धस जाती है। आइए प्रैक्टिकली करते हैं, ये तो बतावा हुआ जो बताया गया है ये सब क्या है बताए हुए कॉन्सेप्ट थे, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, कहां गया इसका आंसर लिया गया है, यस एक आंसर लिया गया है, एक क्वेश्चन दिया है तो आपको हम बता देते हैं, चलिए इसी का देख लेते हैं। आपका दिया है दोस्तों करा के फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1728, 1728 का प्राइम फैक्टर निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहला क्या काम होगा इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए ऐसे बताए थे बट आपको लॉजिक बता दे दोस्तों, तो आपको यदि क्यूब और क्यूबाइट मतलब क्यूब और आपका स्क्वायर याद होता ना तो ये कहानी अपने आप हो जाती, करने की जरूरत नहीं थी। चलिए हम लॉजिक से बताते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करते 2 8 60, 2 6 12, 2 4 8, ऐसे करते 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 लंबा से बढ़ेगा, फिर उसके बाद आएगा 2 12 12 आएगा, मतलब कितने आएगा सॉरी 12 हाँ लगभग नहीं 17 दो हाँ 12 44 यस आएगा, कितना आएगा देखिए ये होता है हम बताते हैं आपको, हमको क्यूब याद है तो हम ट्रिक से करेंगे, ये होता है 12 का क्यूब होता है, कितने होता है दोस्तों 12 का क्यूब करेंगे 12 × 12 करेंगे 144, यदि 144 में मल्टीप्लाई करेंगे 1728 हो जाता है। तो अब यहाँ पर 12 है, अब 12 को हम करना है 12 का देखिए फैक्टराइज कर लीजिएगा, 12 कितने टाइम्स लिखेंगे ऐसे लिखते जाएंगे दोस्तों। अब हमको देखिए लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीके से फैक्टराइज करना है, वो तो बेसिक था, अब 12 को करना है 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 3 कर सकते हैं, इसको भी 4 × 3 कर सकते हैं, इसको भी 4 × 3 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, यस। और थोड़ा सीखना है लॉजिक से तो इसका भी तो कर सकते हैं 2, हाँ एकदम बेसिक जाइए फैक्टराइज का, कम से कम 2 के टर्म 3 के टर्म 4 के टर्म ऐसे हो है ना, 2 × 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 2 × 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3 ऐसे 2 × 2 एंड ऐसे 3 कर सकते हैं। अब इसका नोटेशन लिखिए पावर रूप लिखिए, आंसर आपको मिल गया। चलिए करना क्या 2 देखिए कितने गिरी है दोस्तों, 2 कितने टर्म में है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 2 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 2 के पावर, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा दोस्तों समझना है 2 के पावर 6 यस इनटू 3 को देखिए 3 एक यहाँ है तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3, बस यही से मतलब है बाकी सब भूल जाइए। बच्चों आपको बता दे जैसे आपको यदि इसका करना है प्राइस तो आप ऐसे करेंगे लॉजिक से करेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे जो नंबर्स आता है यही इसके फैक्टर होते हैं, करने के बाद आप पावर के रूप में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ओके अब क्या करना है देखिए दोस्तों, अब करना क्या है, अब यहाँ पर कर रहा है जैसे ही पावर के रूप में लिखते हैं तो उसका घात चेक करें, घात कितना है यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर क्या 3 है, अब इसमें एक प्लस कर दीजिएगा, इसमें भी एक प्लस कर दीजिएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हो जाएगा 7 × 28 आपका आंसर, यही करना है यही आपका आंसर है, समझ में आया ना दोस्तों। क्या करना था पावर के रूप में लिखने के बाद एक एक प्लस करेंगे, एक प्लस क्यों करते हैं अपन ऐसे करते हैं है ना,
तो हमारा मन हम कुछ भी करें ऐसा नहीं होता। बच्चों में जब छोटे छोटे बच्चे हम रहा करते थे, हमारी मर्जी तोरे वजह से हम न चलब, तोरे वाला रास्ते में न चलब, है ना। तो वही हम अपने रास्ते, हम तोरे वजह से न चलब, हम अपने रास्ते चलब, तो हम अपने रास्ते में क्या चल रहा है, प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्लस एक जोड़ करने के बाद आपस में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही है फर्स्ट रूल। पूर्ण खंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहला नंबर है प्राइम फैक्टराइज निकालने के साथ साथ पहले फैक्टर करेंगे उसके, फिर पावर लिखेंगे, फिर पावर लिखने के बाद पावर प्लस एक कर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आंसर। चलिए नेक्स्ट तो देख लेते हैं। आपके लिए कुछ आपके कमेंट में हमको जरूरत है, आपको देते हैं होमवर्क में, इस होमवर्क में आपको करके बतानी है आंसर। 64 का पहला है, बी है आपका सपोज कर लेते हैं 125 का तीसरा दे देते हैं आपके लिए, ये होमवर्क में है आपको करके दिखाना है, हम कमेंट में चेक करेंगे, जिसका होमवर्क नहीं हुआ होगा उसको बहुत पीटेंगे, है ना। एक है आपको सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली देते हैं आपको, देते हैं चलिए 500 कर देते हैं, 500 का करिएगा, चलिए 500 लिख देते हैं, है ना। इसका आपके लिए होमवर्क है, इसकी गुणनखंडों की संख्या निकाल कर बतानी है। चलिए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, आपके पास या आ गया है, कह रहा है क्या कि फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अभी तो हमने सीखा था गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल देते हैं, अब सीखेंगे जितने गुणनखंड संख्या किए हैं ना उसका योग कितना होगा, उसका सम कितना होगा, यही आपको सीखनी है। इसकी स्टेप क्या है आइए इसको देख लेते हैं। स्टेप इसका क्या है दोस्तों, इसमें भी स्टेप थोड़े से फॉलो होते हैं जो पुराने रूल्स होते हैं। तो रूल पहला कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टर द नंबर। सबसे पहला काम यही होगा कि संख्या जो रहेगी गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं तो आपको मैंने बता दिया बच्चों वाला, चाहे लाइन खींच कर करिए या फिर आप उस नंबर का टेबल देखिए किसमें आता है, फिर उसके बाद लॉजिक से करिएगा, है ना। तो आपको जैसे रहेगा वैसे करिएगा। दूसरी बात कर रहा है कि देन राइट एज द पावर, उसके बाद उसको घात के रूप में लिखिएगा, मतलब दोनों रूल अप्लाई हुए हैं, जो पहला वाला रूल था जो हम पढ़े थे गुणनखंडों की संख्या निकाले उसमें भी गुणनखंड करते थे फिर घात के रूप में लिखते थे, उसके बाद क्या करना है यही समझनी है। तो करना क्या है दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर राइटिंग द नंबर एज पावर ऑफ जीरो, मतलब कह रहा है कि उसको स्टार्टिंग करना है नंबर को जीरो, मतलब जो नंबर्स गिवन जितना पावर होगा उसको स्टार्ट, जैसे मान लो 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 को लिखेंगे, 3 के पावर 0 तक लिखेंगे, प्लस 3 के पावर 1, प्लस 3 के पावर 2, प्लस 3 के पावर 3, ऐसा लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो इसको हम समझाएंगे अभी, अभी एग्जांपल के समझाएंगे, तब वही कह रहा है कि एंड फिर एड एड फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर मल्टीप्लाई अमंग देमसेल्फ और आपस में सभी को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर, फिर आपको आंसर मिलेगा। जैसे उसमें क्या करते थे पावर लिखने के बाद उसके घात में एक जोड़ते थे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे ना, वही इसमें थोड़े से काम करने हैं। नंबर की स्टार्ट करनी है दो, मतलब जीरो के पावर लिखकर जितना नंबर के पावर रहेगा वहां तक जाएंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको समझाना है मुझे, चलिए कहाँ गया भैया, यस ये आपके, यस आपका आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बतानी है। चलिए अभी बता देते हैं, आपको रूल नहीं बतानी है, ये साझा भाई कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 300। कह रहा है 300 जो है उसके सभी संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, संख्याओं का योग निकालनी है। क्या निकालनी है, योग निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, उसे गुणनखंडों की लिख दे सकते हैं, गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना होगा यही बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए कर लेते हैं, देखिए बच्चों वाला से करेंगे। तो बच्चों वाला क्या है दोस्तों, 300 लिखेंगे ऐसे, और 300 को लिखने के बाद बड़ा सा पाई खींच देंगे, फिर उसको ऐसे कर देंगे, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 से करता है तो 150 हो जाएगा, और 150 से करेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, 2 7 जा 2 5 जा हो जाएगा, यस है नहीं।
क्योंकि आपको पता है कि 75 दुना होता ही है, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 से होगा, क्योंकि कितने से 3 2 6 फिर कितना होगा 3 5 15 फिर किससे होगा 5 से होगा, 5 से कितना हो जाएगा 5 5 10 फिर 5 से हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे तो फैक्टर की बात करेंगे तो 300 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 × 3 × 5 × 5। यस, अब इस फैक्टर को जैसे फैक्टर मिल जा रहा है तब आपका काम बनना शुरू। तो ये तो बेसिक थे, आपको ऐसे ही करना है। चलिए करने की बात क्या करेंगे आइए देखते हैं। उसके बाद क्या करना है यहां से सीखना है। देखिए 2 के पावर कितना है दोस्तों, 2 के पावर आपका 2 हो गया इनटू यहां पर कितना है 3 के पावर 1 इनटू यहां 5 के पावर 2। यस, यह पावर जैसे लिखेंगे दोस्तों, यह पावर लिखने के बाद क्या करेंगे ये आपको समझनी है ना। अब आपको इसका क्या समझना है, देखिए आपको स्टार्ट करना है यहां से, स्टार्ट करना है कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, पहला नंबर 2 के पावर 2 है तो पहले 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 क्योंकि 0 हमने बताया था, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। यस, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यस, क्यों करते हैं क्योंकि हमको आंसर लाना होता है, 2 पावर तक रहे से 2 पावर तक मैक्सिमम जाएंगे, 0 से स्टार्ट करते रहिएगा उसके पावर पर 2 तक जाइएगा, जितना नंबर रहे उतना तक जाइएगा। फिर क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा वाला करेंगे इसको भी करिए 3 के पावर 0 से करिएगा 3 के पावर 1। यस, फिर आगे में करिएगा इनटू करिएगा इसको, इसका कितना है दोस्तों तो 5 के पावर 0 इन प्लस 5 पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब आपका आंसर हो गया। 2 के पावर 0 का मतलब आपको बता दें a के पावर 0 की वैल्यू हमेशा होती है 1, इसलिए 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर 1 मतलब 2 * 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा आपका पहला, दूसरा क्या 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3 आपका, इसका कैसा हो जाएगा दोस्तों इसको भी करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 पावर 1 5 मतलब 1 प्लस 5 प्लस 5 पावर 2 मतलब 25। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको आंसर मिलेगा। देखिए जोड़िए 4 दुना 8 4 और 2 6 7 7 मतलब 7 इनटू यहां पे 3 और 1 कितना होगा 4 इनटू, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सॉरी मल्टीप्लाई जोड़ना है तो कितना 5 5 30 और 31 हो जाएगा, कितना होगा 31। यस 31। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 इनटू 31 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना होगा आंसर तो आपको बता दें मल्टीप्लाई करेंगे 808 आएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये कांसेप्ट जो बताया गया था आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा तो लाइक के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और बता दें दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे के जो वीडियो आने वाले हैं वो आप तक पहुंच जाए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन के श्रृंखला आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क में समझना है एस डब्ल्यू, इसको समझ लीजिएगा एस डब्ल्यू में है सबसे पहला है, सपोज कर लेते हैं 20 का निकालना है, दूसरा है दोस्तों 10 का, चलिए आपको 30 का निकालना है, एक सपोज कर लेते हैं 1000 का निकालना है, इसका आपका गुणनखंडों का संख्या का योग निकाल कर बताने हैं। ओके, ये थे आपके गुणनखंडों की संख्या निकालने के प्रोसेस, और आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्यूरियोसिटी हो कोई भी दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करिएगा, वहां पर आपको सलूशन मिल जाएगा। और दोस्तों बता दें आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ट्विटर इंस्टा कहीं भी यदि सर्च करते हैं अल्पाइन क्लासेस के नेम से तो आप हमको पा सकते हैं, है ना। यहां तक बता दें यदि आपको कोई प्रॉब्लम के साथ साथ कोई क्यूरियोसिटी होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यस, जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है योर पेशेंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच। Thank you.